ठीक है ठीक है, कर जाएंगे कल आएंगे। मशरूम वाला अल्फ्रेडो पास्ता, तो मुझे हिम्मत के लिए 3 पसंद आया। एक ओके, सो हमारा डन है। तो दो डिफरेंट मील ऑर्डर करने के लिए हस्बैंड गए हैं, तो ये होने वाली है हस्बैंड की, इसमें मैंने सारी चीजें ऐड। मैंने लगता है कि हम लोग ना रियल चाइनीज लाइक इस जैसे चाइनीज के ज्यादा फैन है हाका। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अ डे इन माई लाइफ। एक्चुअली ये वो वाला दिन होने वाला है जिस दिन मैंने मेरा फैब्रिक पेंट किया था। तो सुबह उठते ही थोड़ा सा मुझे स्ट्रेच करना पड़ता है क्योंकि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्टील की बन जाती है सुबह। सो मैं बेड पे लेटे हुए ही थोड़ा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करूँगी, और मैं इस समय पे अपने हीटिंग पैड को भी ऑन कर देती हूँ ताकि मेरी बैक एंड बोन्स थोड़ा रिलीफ फील करें, क्योंकि हीट के साथ वो अच्छा फील करती हैं। सो आप भी ये चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं अगर आप मेरी तरह हैं तो। उसके बाद धीरे धीरे हम उठेंगे हज़ारों सालों के बाद। उठने के बाद फिर से थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, एंड मैं पहनने वाली हूँ थोड़े से मोटे कपड़े, एंड मैं सॉक्स भी पहन लेती हूँ इस समय पे, मुझे ठंड लग रही होती है। और अब समय आता है कि पिद्दी हिम्मत को उठाने का। हिम्मत उठेगा, वैसे वो बहुत जल्दी उठ जाता है, और ज़्यादातर वो हैप्पी ही उठता है मोस्ट ऑफ द टाइम। वैसे वो रोते हुए कभी नहीं उठता, खुशी होता है वो। सो उठ के वो तैयारी करेगा, आज उसका स्कूल भी है। सो उठने के बाद वो रेडी हो रहा है दिन के लिए, ब्रश करेगा, अपने फेस को वॉश करेगा, एंड हम दोनों डाउनस्टेयर जाएंगे। सो हम दोनों जा रहे हैं डाउनस्टेयर। हिम्मत अर्ली उठ के ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, सिर्फ दूध के साथ कुकी खा लेता है या कुछ ऐसा, वो दूध पिएगा एंड मॉमी पिएगी चाय। उसके बाद हिम्मत पूरे समय पे अपने स्कूल में चला जाता है, वो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करता। अगर उससे हम एक दो मिनट लेट कर दें तो गुस्सा हो जाता है कि तुम दोनों ने मुझे लेट करवा दिया। सो उसके बाद मैं जाने वाली हूँ अपस्टेयर्स, मैं अपना नहा लूँगी क्विकली, क्योंकि नहाने के बाद बॉडी मेरी ज़्यादा अच्छी फ्रेश हो जाती है वार्म पानी के साथ, एंड देन मैं मेडिटेट करूँगी। नहाने के बाद राइट अवे मैं मेडिटेट करती हूँ। अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो फिर मैं ज़मीन पे बैठ के करूँगी, अगर मैं अच्छा नहीं फील कर रही हूँ तो फिर मैं लेट के करती हूँ बेड पे। पर मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं आधा घंटा लाइक 30-40 मिनट्स तक कर लेती हूँ, पर एटलीस्ट 5-10 मिनट्स तो मैं ज़रूर करूँगी। इस समय हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होता है क्योंकि हिम्मत स्कूल में बिज़ी है, हस्बैंड अपना बिज़ी है, एंड ये बहुत अच्छा टाइम है मेरे मेडिटेट करने के लिए। और हमारे रूम में धूप भी बहुत अच्छी आती है, और धूप में मुझे और ज़्यादा मज़ेदार लगता है। सो मेडिटेशन के बाद मैं थोड़ा हल्का फुल्का योगा एंड अपने बॉडी को स्ट्रेच कर लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा स्किन केयर करूँगी। स्किन केयर के लिए आज मैं विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ, ये कील्स का, इतना मज़ेदार नहीं है, जिनने जितना महंगा है ये उतना मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला है। उसके बाद ये मैं हायलुरोनिक रिच क्रीम लगा रही हूँ द क्रीम शॉप से, एंड अब बारी आती है डाउन स्टेयर जाके कुछ खाने पीने की। नन्ना मन्ना एंड हिम्मत प्ले कर रहा है क्योंकि उसकी फर्स्ट ब्रेक हो चुकी है। अब उसको कुछ खिला के ब्रेकफास्ट, देन मैं रेडी होंगी मेरे दिन के लिए। एंड आज मैंने बाल भी धोए थे तो बालों को भी मैनेज करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम है। ये रेवलॉन का टू स्टेप, ओके। सो मेरे बाल हो चुके हैं फिक्स, पर अब हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं, हम इन्हें सिर्फ बंद करके हमारे काम को जारी रखेंगे। समय ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, ओके। उसके बाद मैं आज का दिन मैंने पेंट कर रही थी, आपने वो ऑलरेडी व्लॉग देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखिए। मैंने अपना एक बहुत ही प्यारा सा आउटफिट पेंट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। सो आउटफिट को पेंट करूँगी, खाऊँगी पीऊँगी, देन फिर पेंट करूँगी। सारा दिन मेरा इसी तरह स्पेंड हुआ उस दिन, कि हस्बैंड मुझे टीच कर रहे हैं कि कैसे मुझे पेंट करना चाहिए, वो अपनी अपनी सलाह ज़रूर देंगे आके। कोई पत्ती
आप फॉलो रहिएगा। ये फूल ठीक है? आगे इधर से जो व्हील है इसको इधर से पासा वक्खी के पास ले जाओ, ठीक है? वक्खी वक्खी पे एंड कर दो ये फ्लावर, ठीक है? ठीक है, गुड। Where you going, boss? Did you write me at all? Or have I just forgotten how hard I fall? Is he stretching out your belt loops with his fingers and his thumbs? Doing everything that I do, was I not good enough? Does he feel better in your hands? खूबसूरत दोस्तों, खाने का समय आ चुका है और मैं सिर्फ एक ही रोटी खाने वाली हूँ आज, क्योंकि आज मैं डिनर खाना चाहती हूँ। ओके दोस्तों, मैं खाना खाने के बाद आपको मिलती हूँ किसी अगली चीज़ के साथ। ओके, तो मैंने कलर कर लिया है सारी चीज़ों को। शायद मैं और चीज़ें ऐड करूँगी, लाइक छोटे छोटे पत्ते और ऐड करूँगी, या फिर कोई कुछ ना कुछ तो और इसमें पिद्दी पिद्दी ऐड करूँगी मैं। हम हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों तैयार होने के लिए अब रह गया है। अब मैं जा रही हूँ माइकल्स, पहले मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं माइकल्स जाऊँगी। माइकल्स जाके लेके आती हूँ उसको सजाने की चीज़ें। चेंज कितने गया करो ना, सॉक्स गिल्ला हो गया पहला, तो टंच भी पड़ गई ना। ऑलराइट दोस्तों, तो अब पेंटिंग से मैं डन हूँ। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा कुछ सामान लेने के लिए, फैब्रिक के लिए, और थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए। अकेले नहीं जा रही हूँ आज, मैं हस्बैंड भी साथ जा रहे हैं। और हिम्मत को मैं बाहर लेके गई थी पर उसने पडल में जंप कर दिया। बाहर मेल्ट हो रही है स्नो, और तो उसने कपड़े भी गंदे कर लिए और शूज़ के अंदर भी डाल लिया उसने स्नो का पानी, तो शूज़ भी गिल्ले हो गए, पजामा भी गिल्ला हो गया, सब कुछ गिल्ला हो गया। अब वो चेंज करने के लिए गया है और अब उसने नॉर्मल शूज़ पहनने पड़े, क्योंकि स्नो शूज़ तो उसने गंदे कर लिए। ओके दोस्तों, कितने सारे समय के बाद हम दोबारा कपड़े चेंज करके आ चुके हैं। हिम्मत ने फिर अपने पैर स्नो में डाल दिए थे, हस्बैंड ने उसको ट्रिक किया कि वहाँ पे कैंडीज हैं। और या अब हम जा रहे हैं और प्लान बन गया हमारा शॉपिंग मॉल में जाने का, क्योंकि हिम्मत को कई चीज़ें चाहिए। सो हम जा रहे हैं वो वाले मॉल में जो ओपन है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है टोरंटो आउटलेट, समथिंग प्रीमियम आउटलेट, माई हस्बैंड्स फेवरेट, ही लव इट सो मच। हेलो बाय। ओके, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड तो है नहीं वैसे। हमने जाना चाहते हैं नाइकी के स्टोर पे, तो मुझे हिम्मत के लिए शूज़ लेने हैं और वहाँ पे लाइनअप है। गाइस, इतने समय के बाद बाहर आके अजीब ही लग रहा है, मुझे यूनिक लग रहा है, स्पेशल लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। Some stupefy more drama. Had no patience left in me. In reality, it was time to leave. You broke my heart. I need it. Guys, हवा ही बहुत ज़्यादा है। आपको भी शायद हवा सुन रही होगी। ठंड भी है। छत के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कवर है तो मुझे लगता है कि हमें ठंड कम लगेगी, पर ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं है खास। पर यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत समय लगने वाला है। सो देखते हैं कितनी देर यहाँ पे खड़े होते हैं।
और मैं ऑलरेडी थक गई और मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है और मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने और हिम्मत के विचार लेते हैं कि उसे कैसा लग रहा है, पर बाहर आके अलग सी एनर्जी आ गई, मज़ा तो आ रहा है, लाइक डिफरेंट फील हो रहा है। मिमी हाउ यू लाइक? You like outside? I never been outside. It's been so many years. I never see the car in the inside car. I never see the outside. Yes, that's so true. It's our house, that's it. Yeah. And other people, that's it. Okay, bye. So हम लोग आ गए किसी रैंडम स्टोर के अंदर, यहाँ पे कुछ देखेंगे अपने लिए। And look at my cutie outfit of the day. अगर ये मुंडा देख लेगा, मिमी पिछो। Alright, तो हम लोग आ गए इस एरिया में जहाँ पे फूड कोर्ट हुआ करता था, अभी भी है पर ऑप्शन सिर्फ टेक आउट रह गई है। सो हमने सोचा कि यहाँ पे अंदर रहते हैं, जब हस्बैंड वहाँ पे दिखेंगे लाइन अप में हम भाग के चले जाएंगे और मैं आपको फूड कोर्ट की हालत दिखाऊँ कैसी है। बेचारा बियाबान खाली। मिमी कह रहा था कि बहुत मज़ेदार ऑप्शन है खाने के लिए, मैंने कहा कि रहने दे ही नहीं खाना। तो हम यहाँ पे खड़े होके पति की वेट करेंगे, पति समवेयर देर आएंगे। और आई डोंट नो, मुझे ना स्नीज होना शुरू हो गया क्योंकि मैंने आधे समय कोई परफ्यूम लगाया था, मुझे लगता है वो परफ्यूम मुझे सूट नहीं किया, एलर्जी हो गई है, तो परफ्यूम की खुशबू आई जा रही है मुझे और छिकाई जा रही है। और मैं चाहती हूँ कि अगर चाय का एक कप मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आने से पहले मुझे चाय पीनी चाहिए थी पर मैंने पी नहीं। हम आए तो माइकल्स के लिए थे पर अचानक से हमारा प्लान बन गया कि शॉपिंग मॉल चले जाते हैं, हिम्मत के लिए मुझे शूज़ लेने हैं और भी दो चार चीज़ें लेनी है। उसके बाद होपफुली हम लोग वॉलमार्ट जाएंगे, माइकल्स जाएंगे, अगर वो तब तक खुला होगा, नहीं होगा तो फिर कर जाएंगे, कल आएंगे। सो या दैट्स अबाउट इट। एक्चुअली मैं अपना वो आउटफिट पूरा करना चाहती हूँ तो जाएंगे शायद शायद वॉलमार्ट से मिल जाए वो सामान जो मैं लेना चाहती हूँ, तो यह वहाँ पे चले जाएंगे। सो फिलहाल हम यहाँ पे खड़े होके हस्बैंड की वेट कर रहे हैं, जब वो वहाँ पे हमें दिखेंगे तो जाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ठंडी में हमारी हड्डियाँ जम जाती हैं दोस्तों। ओके, सो ठंडी में हड्डियाँ जमने से अच्छा है कि गर्म एरिया में रहें। Feelings in the summertime, something about the weather in July, but I'm about as fickle as the sands of time, so I don't wanna call you mine. There's a little ember in my heart that flickers, nothing seems to cultivate the flame. I don't got a problem making conversation, sorry but that's where it's gotta stay. Don't wait for me. गाइस नाइकी के स्टोर में जाने इसलिए दे रहे क्योंकि आप बंदे ने मेला लौट लिया है। अन्य बैग तो नहीं होने बेचारे ने अन्य बैग ला लिया, तोड़ी नहीं होना शायद ऑनलाइन होगी। ओके दोस्तों, हस्बैंड की बारी अभी भी नहीं आए तो हम लोग गैप में आ गए हैं, यही सोचा टाइम पास कर रहे, वार्म रहते हैं। यहाँ है हिम्मत का सेक्शन और हम ढूंढेंगे हिम्मत के लिए टी शर्ट या कुछ भी, और हिम्मत पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। यही कम हिम्मत के पास 2 रुपए हैं, वो उससे सामने नहीं जा रहे। ओके $2 आई मीन $2. गाइस बार रात पा दिया, और कोई काम कितने होना है। ओके सो हमें वेट करते हुए ऑलमोस्ट घंटा हो चुका है और अब ये मॉल बंद भी हो जाएगा 7:00 और समय हुआ है 6:25।
और अब हमें भूख भी लग रही है और आज ऐसी ठंडी हवा चल रही है जैसी मेलबर्न में ठंड हुआ करती थी। और ऐसी ठंडी हवा में मैं खाती थी वहाँ कोफील्ड स्टेशन से उतरते ही इटालियन रेस्टोरेंट्स है, आई थिंक टेक आउट ही करते थे तब, मशरूम वाला अल्फ्रेडो पास्ता, या फिर मैं खाती थी थाई, वहाँ पे थाई भी है, कितने सारे पिद्दे पिद्दे से हैं, स्टूडेंट्स खाते हैं वहाँ पे, तो बड़ा मजेदार खुश। और इस वेदर में वो मुझे मेलबर्न क्या कोफील्ड याद आ गया और हमें मैंने भूख लग रही है दोस्तों, और मैं वेट नहीं कर सकती। पता नहीं अब हम अंदर जा पाएंगे या नहीं, हो सकता है कि वो कहें कि जिनने भी बंदे लाइन से खड़े हैं चल को, बंदे तो हमारे पीछे भी बहुत खड़े हैं, मुझे लगता है 10 अलग से बंदे खड़े हैं, तो यार वेट ही करते हैं देखते हैं कि होंगे। पर यार ठंडी हवा ने ना मैंने मेलबर्न याद दिलाया, क्यों नहीं पाई मैं मैनू लगता कि हमारी बारी आ जाएगी। हस्बैंड कह रहे थे कि तुम एक भाषा के साथ स्टिक करा करो, मैं की करा दोस्तों, नहीं होता है नहीं, पहले शू देख लीजिए कर बारी आई है 500 साल बाद। तो हिम्मत की बारी आ गई फाइनली। हाय, सो मैं हिम्मत की मदद कर रही हूँ शूज चूज करने के लिए और उसे पहनाने में। तो मुझे ये रेड अच्छे लग रहे हैं एंड ये से फिट भी अच्छे आ रहे हैं, पर आजकल हिम्मत का जो रेड कलर उसे अच्छा नहीं लगता फॉर सम रीजन। मुझे ये रेड अच्छे लगे हैं, मुझे पता नहीं इसे अच्छे लगेंगे या नहीं। तो अगर मुझे ये ब्लू भी अच्छे लगे तो ये भी इसे पहना दूँ। एक तो हमने फाइनल कर लिया है ब्लैक, मे बी कम लेट्स से टी ट्राई दो, आ जा आ जा। तो रेड एंड हस्बैंड पता नहीं हजारों डब्बे लेके आया, अलग मैं यहाँ पर चल मिमी थोड़े वे ला लाने बाद चो पा लूगा। सो मुझे हिम्मत के लिए 3 पसंद आया, एक तो ये काला है, एक ये लाल है, जो मुझे लाल शूज बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो मिलते नहीं तो हिम्मत को मिलती नहीं मैं, और एक ये जो है मैं ये 3 पेयर्स लेने वाली हूँ। सब मैं जाऊँगी देखने के लिए मेरे लिए कुछ, सो अपने लिए हस्बैंड के लिए सारे पेयर्स लेके आए ट्राई करने। सो हिम्मत ने एक ये भी ले लिया है क्योंकि ऐसा मेरे पास भी है, तो हिम्मत एंड मैं मैच करेंगे। ऑल राइट, सो हस्बैंड को ये वाला स्टाइल पसंद आया अभी तक एंड वो अभी भी लापता है, मे बी और अपने लिए शूज़ देखने के लिए गया हो। और गाइस लुक एट दिस क्यूट बेबी नाइकी, सच अ पिद्दी वन। सो हिम्मत गया है कोट में डैडी की, सो हस्बैंड फाइनली एक्टिव वेयर नाउ, मैं तो हिम्मत ज़्यादा थक गया। Back in the time when you and I were something, it was back in the time, oh yeah. You know that I tried, yeah, I really tried. Oh, you gave me that feeling, you gave me the feeling of free. I felt so trapped until I found you, until I found you. Now all I feel is free. You know that I would never leave you, 'cause I feel free. Yeah, all I feel is free. I feel free. ओके, सो हमने ली है ये केक बॉस की एक स्लाइस केक, यहाँ पे वेंडिंग मशीन लगी है कार्लो,
तो हम लोग इसे खाने के लिए एक्साइटेड है, कल घर जाके खाएंगे। नो, वी हैव टू क्लीन द बॉक्स। लुक एट दिस क्यूटी केक गाइस, आज तो साडा बड़ा मजेदार दिन चला है। ओके, सो हमारा डन है, हमने लिए हैं 3 पेयर हिम्मत के, एक मैंने वापस रख दिया और हस्बैंड ने एक लिया है अपने लिए। और गाइस ये शॉपिंग का मॉल है जो खाली हो चुका है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इतने ठंड बहुत लग गई है और ये अब तो हवा बंद हो चुकी है वैसे। ओके, सो घर जाने का समय आ गया है, आज हमने वावा समय ला दिया यहाँ पे, पर यहाँ हैप्पी हुआ सारा कुछ बढ़िया मिला। तो हम लोग गाड़ी में हैं और हम वहाँ से निकल गए थे एंड अब पहुँचे हैं हमारे घर के पास ही और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं चाइनीज फूड। वैसे तो मैं नहीं खाना चाहती थी पर जब हम वहाँ पे वेट कर रहे थे तो मुझे पास्ते की बहुत क्रेविंग हो रही थी क्योंकि पास्ता मैं घर में कुक करना पसंद करती हूँ, पर आज मेरे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है और हस्बैंड कह रहे हैं कि बाहर से ही खा लेते हैं। आज मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद हम बाहर से कुछ खाने वाले हैं और हम खाने वाले हैं चाइनीज। तो दो डिफरेंट मील ऑर्डर करने के लिए हस्बैंड गए हैं, थोड़ा समय लगेगा एंड देन मुझे लगता है मैं आपको घर जाके, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक गई हूँ और बहुत ज्यादा समय हमने नाइकी के स्टोर के बाद लाइन में वेट की। पर अच्छी बात ये हुई है कि हमें बहुत अच्छे शूज मिले हैं हिम्मत के लिए, मैं बहुत हैप्पी हूँ। हस्बैंड ने भी अपने लिए पेयर खरीदा, मैंने कुछ नहीं खरीदा क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मुझे जरूरत है। हिम्मत के लिए मैं हैप्पी हूँ, उसे 3 बहुत अच्छे पेयर मिल गए। हाय, सो हम घर पहुंच चुके हैं एंड अब मैं सबसे पहले हैंड वॉश कर लेती हूँ देन हम खाना खाएंगे। एक्साइटेड हूँ मैं खाना खाने के लिए बहुत एंड देन इस डिलीशियस रेनबो स्लाइस को खाने के लिए। एग रोल्स है इसमें एंड 2 मील है, एक है हनी गार्लिक चिकन, एक है जनरल ताओ चिकन। नाइस एंड स्पाइसी लग रहा है वैसे तो। Away from screens and the feelings just they never touch your name for so long, so long. So, ये होने वाली है हस्बैंड की, इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी है। मैं वैसे राइस एंड नूडल्स थोड़े से खाऊंगी और ये चिकन को फिर दूसरा ट्राई करूंगी मुझे अच्छा लगता है या नहीं। सो यस, देखने में अच्छा लग रहा है, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, अब खा के पता चलेगा कि कैसे। हस्बैंड ना सिंगापुर स्टाइल के नूडल्स खाना चाहते थे। बहुत स्वाद है, खा के देखो तो बहुत बढ़िया लगने। ये भूख लगी है पर स्वाद है, आई लाइक इट, रियली लाइक इट। मैंने लगता कि हम लोग ना रियल चाइनीज लाइक इस जैसे चाइनीज के ज़्यादा फैन है हाका के बदले, क्योंकि हाका तो हम घर में भी बना लेते हैं पर जरा इनका फ्लेवर है ना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा लगा मुझे। ओके दोस्तों, तो पेंट करने से मैं डन हूँ, अब मुझे बहुत नींद आ रही है पर मुझे मेरी किचन को क्लीन करना है। सो क्विकली किचन को क्लीन करूँगी और मैं सोने के लिए जा रही हूँ। कल मुझे बहुत अच्छी नींद नहीं आई थी, सारी रात मुझे सपने आते रहे तरह तरह के और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। इसे मैं कल करूँगी फिनिश क्योंकि उसके लिए मुझे शॉपिंग करने के लिए भी जाना पड़ेगा। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डे इन लाइफ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर ज़रूर से फॉलो करें क्योंकि जब मैं यहाँ पर कुछ नहीं अपलोड करती हूँ तो मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों योर गाइज़ अ ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज़ कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज Think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. अगर मेरा बस चले ना मैं सीधा फोन चला रहा क्लीन ना करा, पर फिर मैंने याद आता है कि मैं सवेरे उठ के चाह बनाने भी दिल नहीं करना जब मेरी रसोई साफ नहीं होगी। सो क्विकली क्लीन कर लेनी हूँ। चंगा दोस्तों, बाय, लव यू।